Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are in good health. My name is Zishan Jamil. I have done Bachelor of Sciences in Electrical Engineering and currently working as a Network Operation Center Officer at Aval Telecom Private Limited. Today, we are going to talk about different engineering and IT programs in Pakistan. We will look for best universities in this regard and the things we needed to be considered before taking admission in these program. As far as engineering degree program concerned, तो पाकिस्तान में कम 62 के लगभग मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि बैचलर लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटीज में ऑफर किए जाते हैं। इसमें कुछ तो हमारे पास जो है वो जेनेरिक प्रोग्राम है, कुछ इनके जो है आगे सब मेन आप कह सकते हैं या एफिलेटेड प्रोग्राम कह सकते हैं। जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है और आगे इसमें स्पेशलाइजेशन है जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है हमारे पास और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। बाकी जो प्रोग्राम उनमें हमारे पास एरोस्पेस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, एवियोनिक्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये वो फील्ड है कि जिसमें बायो वाले स्टूडेंट यानी स्टूडेंट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड जो है वो एलिजिबल है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है ये बेसिकली हेल्थ केयर पर्पज के रिलेटेड जो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन है ये उनको डील आउट करता है। फिर इसी तरह हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी इज समथिंग लाइक डैट के जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम कंसर्न्स होते हैं उनको डील आउट करता है। वो पावर सप्लाईज के इशू है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, वो मशीनरी डिजाइन है, एफिशिएंसीज है, जस्ट लाइक डैट थिंग्स। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, गारमेंट्स इंजीनियरिंग जो है या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये भी एक अपनी नोयत के एक मुनफरिद अदारा है, प्रोग्राम है। और बड़े कम जो है ना अदारे ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर। फिर हमारे पास माइनिंग इंजीनियरिंग आ जाती है, नेवल आर्किटेक्चरिंग जो इंजीनियरिंग है ये भी अपनी नोयत के एक मुनफरिद प्रोग्राम है। और जहां तक मेरे इलम है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अदारा पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि नस्क का इंस्टीट्यूट है वो इसको ऑफर करवा रहा है। फिर हमारे पास पॉलीमर और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ये भी ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है। फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट में हमारे पास इंजीनियरिंग मौजूद है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, अर्बन रीजनल प्लानिंग है। और जहां तक बात की जाए कि टॉप इंजीनियरिंग फील्ड की, तो अगर मौजूदा मार्केट को हम मद्देनजर रखें तो मौजूदा मार्केट में बेसिक जो हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन वो यही होती है कि हमें किसी अच्छे अदारे में जॉब मिल जाए। तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वो प्रोग्राम हमें मिलते हैं कि जिनकी मार्केट डिमांड अभी तक मौजूद है। जस्ट लाइक यू कैन से डैट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये दो वो प्रोग्राम है जिनके रेगुलरली मुख्तलिफ अदारों की जानब से कमीशन की एडवर्टाइजमेंट की जाती है और उनके ऊपर रेगुलरली कमीशन हो रहे हैं, जिसमें नेस्काम है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, पाकिस्तान की जितनी भी तीनों मुसल्ला फौज हैं उनमें रेगुलरली शार्ट सर्विस कमीशन ऑफर किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये दो वो इंजीनियरिंग की मेन ब्रांचेज हैं जिनको हर सूरत इंक्लूड किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और जिसमें कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस भी इसी के तकरीबन मिलते जुलते प्रोग्राम है। इसका जो मेन बेनिफिट वो ये है फ्रीलांसिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप दौरान डिग्री भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज पढ़ते हैं जिनको आप एज ए फ्रीलांसिंग के तौर पर मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर अपनी वो स्किल सेल आउट कर सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब बहुत सारे हमारे जो तालिबे इल्म हैं दाखिला लेते वक्त जो है ना चंद अहम चीज़ें जो है उनको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको या उनके ख़ानदान को मुख्तलिफ तरह की जो है ना परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। तो मेरी तमाम तालिबे इल्मों को यही गुजारिश है कि खुदारा जब भी एडमिशन लें तो अगर बिलखसूस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी देखें कि पहली जो मेन चीज़ है कि आपका ये जो प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं आया कि ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है या नहीं है। फिर इसी तरह जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिस तरह इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल देख रही है, आया कि आपका ये जो प्रोग्राम है इंजीनियरिंग की डिग्री ये उससे रिकोगनाइज है या नहीं है। फिर इसी तरह हमारे पास नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल है जो कि टेक्नोलॉजी बीएस टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम है उनको उनकी मंजूरी देती है, ये भी चेक करना लाजमी है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इन प्रोफेशनल बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। इसमें हमारे पास नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एग्रीडेशन काउंसिल
भी आती है, फिर बिजनेस के लिए हमारे पास नेशनल बिजनेस एजुकेशन एग्रीडेशन काउंसिल है, इसी तरह आर्किटेक्चिंग और टाउन प्लानिंग के लिए हमारे पास पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है। तो ये वो चंद अहम चीज़ें हैं जो कि हर तालिबे इल्म को चाहिए कि वो एडमिशन लेने से पहले, ख्वाह वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो, लाजमी देखें। और बिलखसूस अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो इन प्रोग्राम को या इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखें कि आपके ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आया कि मंजूर शुदा है या नहीं है जो भी रिस्पेक्टिव काउंसिल है। होता यह है कि बहुत सारे तालिबे इल्म एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद या अक्सर को डिग्री करने के बाद ये चीज़ मालूम होती है कि उनका ये जो प्रोग्राम है ये जो उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन काउंसिलों से मंजूर शुदा ही नहीं है। तो होता ये है कि फिर उसके बाद उनकी वो जो डिग्री है वो मां सवाए एक पीस ऑफ पेपर के उसकी वर्थ कोई नहीं होती, वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं होती। तो इस चीज़ को मैं इम्फिसाइज करूंगा कि लाजमी इस चीज़ को कंसिडर किया जाए। फिर एक और जो मेन कन्फ्यूजन होती है एट इंटरमीडिएट लेवल, वो ये है बी एस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बी एस इंजीनियरिंग डिग्री कौन सी डिग्री की जाए कौन सी ना की जाए। तो जहाँ तक बात है बी एस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है उससे मंजूर शुदा होती है, जबकि बी एस इंजीनियरिंग है बी एस इंजीनियरिंग कह लें या बी एस सी इंजीनियरिंग कह लें या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कह लें, ये तीन चार एक ही प्रोग्राम है, उनके मुख्तलिफ नाम है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा प्रोग्राम है। और बी एस सी इंजीनियरिंग जो है ना, इसको करने का फायदा ये है कि बी एस सी इंजीनियरिंग के बाद आप अपने साथ एज एन इंजीनियर जो है टाइटल लिख सकते हैं, आप अपनी एक फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल फर्म के लिए आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस दरकार होता है, जो कि एज अ इंजीनियर आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देती भी है और आप उसको बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फिर अगर जॉब प्रोस्पेक्टिव के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप इंजीनियर्स एज ए डेजिग्नेशन किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए वैलिड पीसी लाइसेंस जो होना वो ज़रूरी है, ख्वाह वो वापडा है, नेस्काम है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, पाकिस्तान आर्मी में आप कमीशन के लिए जा रहे हैं, नेवी या एयरफोर्स में, तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ लाजमी डिमांड की जाएगी कि आपके पास पीसी का जो लाइसेंस है वो है या नहीं है, पीसी नंबर है या नहीं है। और ये वो चीज़ है जो कि टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ ऑफर नहीं की जाती, और अक्सर स्टूडेंट इसी तरदद में जो है रह जाते हैं कि ये दोनों सेम डिग्रीज हैं, सेम प्रोग्राम है, इनके सेम पाकिस्तान प्रिविलेज हैं। तो ऐसा कोई नहीं है मेरे नज़दीक, क्या बल्कि पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें यही है कि बी एस सी जो इंजीनियरिंग की फील्ड में आप कर रहे हैं उसका स्कोप एज कम्पेयर टू बी एस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इस तरह की किसी चीज़ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि आप इंजीनियरिंग डिग्री की तरफ जाएं। बेशक आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो थोड़े से आपने मियार को कम करें, दरमियानी यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरफ जाएँ बजाय इसके कि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को तो हम नहीं डिस्कस कर सकेंगे, वक्त बड़ा कम है हमारे पास, लेकिन ये है कि हम चंद यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ तो हमारे पास जो है पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है नस्ट आती है, नस्ट जो है वेल नोन इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान का नंबर वन इंस्टीट्यूट, और हर तालिबे इल्म को यही ख्वाहिश होती है कि वो अगर इंजीनियरिंग की डिग्री करे तो वो नस्ट से करे। नस्ट की जो इलेक्ट्रिकल और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये वो डिपार्टमेंट है जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है और रिकग्नाइजेशन जो है वो दी जाती है। इलेक्ट्रिकल में सीक्स जो है नस्ट का इंस्टीट्यूट है, माना जाना इंस्टीट्यूट है पाकिस्तानी सतह के ऊपर भी, और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी सीक्स का काफ़ी ज़्यादा नाम आता है। नस्ट जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटीरियल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस मैकेट्रॉनिक्स सिविल है, एवियोनिक्स है, कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें कुछ तो ऐसे प्रोग्राम है जो नस्ट के H12 कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो नस्ट के आगे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस हैं उनमें ऑफर किए जा रहे हैं, जिस तरह मिलिट्री कॉलेज सिग्नल है हमारे पास, EME कॉलेज रावलपिंडी मौजूद है, पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची मौजूद है, इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज रिसालपुर मौजूद है, तो उनमें भी कुछ प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास आता है। प्यास जो है ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अदारा है,
और प्यास जो है ये अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। प्यास की ये जो बीएससी फिजिक्स या एमएस पीएचडी फिजिक्स की डिग्री है, इसके पाकिस्तान लेवल के ऊपर काफी ज्यादा वक्त है और इसको रिकोगनाइज किया जाता है। प्यास जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग आती है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज है और फिजिक्स है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है और ये एमएससी लेवल के ऊपर ऑफर किया जाता है, बीएससी लेवल के ऊपर ऑफर नहीं किया जाता। फिर इसी तरह हमारे पास जीकी है। जीकी जो है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जीकी वेल नोन है फॉर इट्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, सीएस प्रोग्राम। और जीकी जो एडमिशन ऑफर करती है डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, उनमें हमारे पास इंजीनियरिंग साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, मटेरियल साइंसेज एंड केमिकल इंजीनियरिंग है। फिर हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आईएसटी इस्लामाबाद आता है, ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का दारा है, और नेशनल स्पेस एजेंसी जो स्पार्को है उसका दारा है। और ये बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोलाबरेशन के साथ भी ऑफर कर रहा है, बिलखसूस एमएस लेवल के ऊपर। और इसकी रिसर्च फैसिलिटी एज फार एज कंसर्न हम स्पेस साइंस एरोनॉटिकल और एवियोनिक्स के नज़र में देखेंगे तो पाकिस्तान के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज इस वक्त आईएसटी ऑफर करती है स्पेस साइंस के हवाले से। आईएसटी जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स है, फिर मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, स्पेस साइंस है, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के हवाले से आईएसटी मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अब इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीयू यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। इसकी बुनियाद 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से रखी गई थी। इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर का जो नेटवर्क बनाया गया उसमें इस यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, और अभी भी इनका हेड ऑफिस मेन वहीं पर है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पीआईटीबी जिसको ये सेहरा हासिल है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस और बिलखसूस फेडरल में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बने उनमें बनाने वालों में पीआईटीबी सबसे अव्वल रही है। और पीआईटीबी को ये भी सेहरा मिलता है कि सबसे पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ पीआईटीबी गई है, और पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर का कंसेप्ट पीआईटीबी ने दिया है। ई रोजगार प्रोग्राम पीआईटीबी का बड़ा वेल नोन प्रोग्राम है। इसी तरह प्लान एक्स और प्लान नाइन बड़े वेल नोन इंक्यूबेशन के प्रोग्राम है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान बनाए गए हैं वो भी आईटीयू ही के जो है कंसर्निंग प्रोग्राम है। आईटीयू जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें हमारे पास बीएस कंप्यूटर साइंसेज है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस ये एक लेटेस्ट प्रोग्राम है, ये भी ऑफर कर रही है। फिर अभी ये हाल ही में इफ्तिताह हुआ है इसका, पिछले साल इसने लास्ट टाइम फर्स्ट एडमिशन ऑफर किया, पाक ऑस्ट्रेलिया फैकोनशेल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो केपी के गवर्नमेंट की जानब से फंडेड की गई है और हरिपुर में कायम शुदा है। इस यूनिवर्सिटी की जो मेन खासियत है वो ये है कि ये बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम मुख्तलिफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोलाबरेशन के साथ जो ऑफर कर रही है, और इसकी जो बुनियाद रखी गई है वो इस बेस के ऊपर रखी गई है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम और टेक्निकल एजुकेशन और थ्रेटिकल एजुकेशन दोनों को इकट्ठा करके जो प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। इसकी खास बात ये है इसमें आपका थ्रेटिकल पोर्शन भी कवर किया जाएगा और बहुत हद तक प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर किया जाएगा, जो कि अक्सर इंजीनियर्स का जे अपने अदारों से गिला रहता है कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर बड़ा कम दिया गया है, हैंड जोन एक्सपीरियंस बहुत कम दिया गया जबकि थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी फोकस करें तो उसमें मैं आपको ये अदारा रिकमेंड करूंगा, इनकी प्रैक्टिकल स्किल्स और थ्रेटिकल स्किल्स दोनों ही बड़ी जबरदस्त है। और जो डिग्री प्रोग्राम ये ऑफर कर रहा है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है और बायोमेडिकल साइंसेज है। फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक नई यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान आर्मी का जो डिपार्टमेंट है फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन उसके तावन के साथ रन कर रही है, और बड़ा वेल नोन अदारा रावलपिंडी का सीटीटीआई डिप्लोमे के हवाले से जाना जाता है। तो ये उसी अदारे का जो कंसर्न इंस्टीट्यूट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी अदारे का कंसर्न इंस्टीट्यूट है। और जिस प्रोग्राम में ये डिग्री ऑफर करे उसमें बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल
इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है। फिर हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी आती है। एयर यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे पास प्रोग्राम ऑफर कर रही है, उसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है। एयर का भी शुमार चंद यूनिवर्सिटीज में होता है पाकिस्तान में, जो एरोस्पेस और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग करवा रही है IST के बाद। ये वो कुछ मजीद यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हम क्योंकि वक्त की नज़ाकत की वजह से कवर अप नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये है कि इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ एडमिशन। कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, अगर आपका टॉप 5 या टॉप 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता, तो बजाय इसके कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव आउट करें, बेहतर यही है कि आप गवर्नमेंट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव आउट करें। हो सकता है वो थोड़ी सी दूर दराज के इलाकों में हो, जिस तरह हमारे पास UET नारवाल कैंपस है, फिर कालाशाह काकू है, UET फैसलाबाद हमारे पास, UET गुजरांवाला है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन इदारों की तरफ आपको मूव आउट करना चाहिए। इन यूनिवर्सिटी में हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, UET टैक्सला है, UET पिशावर है, फास्ट है, कॉमसेट इस्लामाबाद है। फिर हमारे पास UET के मुख्तलिफ कैंपसेज हैं जिसमें कालाशाह काकू है, फैसलाबाद है, नारवल कैंपसेज है, NED है, दाऊ यूनिवर्सिटी हमारे पास कराची है, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार है, ब्यूटम, सखर IBA यूनिवर्सिटी सखर। ये भी इस यूनिवर्सिटी ने भी बड़े कम अरसे में जो है ना अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और पाकिस्तान की अच्छी जामियात में इसका शुमार किया जाता है। फिर हमारे पास IIUI है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज नमल है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद NTU है, फिर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, KS यूनिवर्सिटी हमारे पास इस्लामाबाद में है। ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ये दो वो फील्डें हैं जिसके हवाले से ये जानी जाती है, और इसका बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं इसके इनके तालिबे इल्म का उनके ऊपर कोलाब्रेशन भी मुख्तलिफ डिफेंस इंस्टीट्यूशन के साथ चल रहा है, और सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग जो एक के प्राइवेट कंपनी है वो भी इसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। फिर हमारे पास मस्ट मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। मेरा एक और एंड के ऊपर सुजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले, ख्वाह आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में ले रहे हैं या मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है या कोई टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, कोशिश ये करें कि जिस अदारे में आप लेना चाह रहे हैं उस अदारे की कम से कम रैंकिंग जो है ना सब्जेक्ट वाइज लाजमी देखा करें। बाज अदारे ऐसे होते हैं कि वो बाज सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं, जबकि बाज में वो ऑन एवरेज होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने अदारे के और अपने प्रोग्राम के हवाले से जो बेहतरीन किस्म के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ जाएं, और इसका आसान हल ये है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग देखें, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो है उनको देखें, और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप मूव आउट करेंगे तो आपको ना सिर्फ वहाँ पर बेहतरीन किस्म की सहूलियात भी मिलेंगी, बल्कि सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, अच्छी फैकल्टी होगी, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट बड़े अच्छे होंगे, उनकी कोलाब्रेशन बड़ी अच्छी होगी, विद इन पाकिस्तान कोलाब्रेशन जो है अदारों के साथ, अच्छे अदारों के साथ होगी, फॉरन यूनिवर्सिटीज के साथ बड़ी अच्छी कोलाब्रेशन होगी। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टाइम हायर एजुकेशन की ये जो रैंकिंग आती है, कोशिश किया करें कि एडमिशन प्रोग्राम लेने से पहले उसको लाजमी कंसर्न कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोग लाजमी इससे फ़ायदा उठाएंगे।